हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए मैं आज क्या बना रही हूँ नाश्ते में सुबह सुबह, जबकि नाश्ते में ये सब नहीं होना चाहिए, पर मैं नाश्ते में बना रही हूँ सुबह सुबह। तो आज मैं बना रही हूँ लाच्छा पराठा। तो लाच्छा पराठा को मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ वही मैं दिखा रही हूँ, और सारे पराठों को मैं नहीं दिखाने वाली। आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, छोड़ कर मत जाइएगा कि ये मतलब एक गो पराठा को करके दिखाएगी और बोर करेगी हम लोगों को। तो ऐसी बात नहीं, मैं सिर्फ एक पराठे दिखाने वाली हूँ, सारे नहीं दिखाने वाली हूँ। और पहले भी मैं कुछ पराठे फोल्ड कर ली हूँ, देख ही सकते हैं आप लोग। और मैं ऐसे करके फोल्ड करती हूँ, और यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसका जब इसे सेकते हैं ना हम लोग, इसका एक क्लियर दिखता है और खूब अच्छा लगता है। और मैं इसे नाश्ते में 3 जन के लिए करने वाली हूँ, और कुछ इसे बचा के भी रख लूँगी। शाम को मैं इसे एग रोल बनाने वाली हूँ। तो कभी कभी तो ये सब खाना तो बनता ही, डेली डेली तो एक ही सामान खाना नहीं खा सकते हैं, तो कुछ तो खाने में चेंज होना चाहिए। तो बस वही मैं अभी सुबह के बज रहा है 8, और मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ता में मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा, देख सकते हैं। तो मैं नाश्ता बना लेती हूँ, वीडियो को कंटिन्यू रखती हूँ। इसके साथ मैं कपड़ा भी वहाँ पे लगा दी हूँ, अभी सर्फ नहीं डाली क्योंकि अभी गीजर चल रहा है, क्योंकि गर्म पानी जब होता है तो इलेक्ट्रिक बहुत खींचता है, इसीलिए जब नहाने का काम हो जाएगा तब फिर मैं इसको चालू करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स ये रूटीन मैं मंडे को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मंडे का मेरा वीकेंड रहता है और हस्बैंड जी घर में रहते हैं, तो कोई जल्दीबाजी नहीं रहता है कि कितना बजे नाश्ता बनाना है, कितना बजे खाना बनाना है। तो हम लोग आराम से सो के उठते हैं 7, 7:30, 7:45, और उसके बाद ही काम में लग जाते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 9 बजे, मैं नाश्ता बना रही हूँ इन लोगों के लिए। फ्रेंड्स मेरा नहाना कंप्लीट हो गया है, और कपड़े तो आज धोने नहीं थे, पूजा भी आज करना नहीं है, तो चल रहे नाश्ता करने के लिए। और मशीन में ही कपड़ा लगाए हैं, तो जब मशीन का कपड़ा हो जाएगा पूरा धुल जाएगा तब फिर, आज बहुत अच्छा धूप किया है तो छत पे ले जा कर दे देंगे। और नाश्ते में तो मैं बनाई हूँ लच्छा पराठा, उसके साथ में आलू की सब्ज़ी है। फ़ौरन में ही बनाई हूँ, सुबह में मैं ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, तो फ़ौरन की ही सब्ज़ी है। और नहाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर नहीं करती, थोड़े से कोल्ड क्रीम लगा लेती हूँ और कुछ नहीं। और आज ही मैं नेल पेंट ट्राई की, सिर्फ अभी एक ही उंगली में लगाई हूँ, क्योंकि अभी ख़राब हो जाता ना, अभी फिर से बनाना है। मुझे गर्मा गर्म नाश्ता पसंद है, पराठा तो मुझे गर्म ही पसंद है, तो मैं पहले अपने लिए बनाऊँगी उसके बाद ही खाऊँगी। सभी को खिला पिला के जगह पर मैं भेज दी हूँ। और आज दिन है सोमवार का, तो सोमवार का तो हम लोगों का अच्छा अच्छा खाना होता ही है। अच्छा क्या बोले, मतलब रोज दिन से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसलिए मैं आज लच्छा पराठे की हूँ, और कोई बात नहीं है। तो वो भी कहीं चले गए, नहीं पता कहाँ गए हैं, यहाँ पे पैंट खुला हुआ है इनका। तो जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, उसके बाद देखती हूँ दोपहर में क्या बनने वाला है, तो सारे का सारा मैं शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स मेरा नाश्ता कंप्लीट हो गया है, और नाश्ता कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा अपने गैस चूल्हा को साफ कर दूँ, क्योंकि नाश्ता के बाद थोड़ा सा इधर से उधर बर्तन गिरा हुआ रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, और गंदा किचन में तो मुझे काम करना एकदम भी अच्छा नहीं लगता है। सिंक में बर्तन पड़े हुए हो और गैस चूल्हा गंदा हो, चाहे स्लैब गंदा हो, तो बिल्कुल भी मेरा इच्छा नहीं करता है गंदा किचन में काम करने का। तो उससे पहले मैं अपना गैस चूल्हे की सफाई कर ले रही हूँ, और जो भी पीछे गंदा रहता सारा का सारा मैं साफ़ कर देती हूँ। अगर मैं खाना बनाते वक्त पीछे गैस चूल्हा के पीछे टाइल्स पर भी तेल पड़ जाता है, तो वो भी मैं हमेशा साफ़ कर देती हूँ, तभी मेरा किचन हमेशा चमकते रहता है। और मेरे जैसा बहुत लोग ऐसा करते होंगे। और नाश्ता करने के बाद कुछ देर मैं बालकनी में रुकी, तो वहाँ सब्जी वाला आ गया था, तो वही मैं सब्ज़ी दिखा रही थी। बहुत अच्छा ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी मैं ले ली हूँ, ये पालन साग ले ली, 5-5 टका का बंधा गोभी दे रहा था, 5-5 टका का एकदम छोटा छोटा, खूब सुंदर था, हल्का हल्का, तो मैं ले रही। बैगन अभी 20 टका हो गया, मैं बैगन भी
मतलब 20 टका का हम और मेरी देवरानी बैगन लिए, हम लोग हाफ हाफ भाग कर लेंगे क्योंकि कटा हुआ बैगन बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। और सारे साफ़ सफाई करने के बाद सब्जी को अभी एक साइड में मैं कर दी हूँ क्योंकि अभी सब्जी काटा कुटी नहीं करना है। पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, नाश्ता का बर्तन। बोली ना कि जब तक कि सिंक में बर्तन रहता है और गैस चूल्हा गंदा रहता है तो मन नहीं लगता है मेरा काम करने में। तो बस मैं पहले यही सब कर लेती हूँ, नाश्ता का टोटल बर्तन धो लेती हूँ। ज़्यादा बर्तन नहीं था, थोड़ा ही बर्तन था, थोड़ा सा मैं चिकनी ज़्यादा हूँ। और मैं बर्तन को दो दो बार धो लेती हूँ, एक बार सारा जूठा बर्तन धो के साफ़ कर लेती हूँ, फिर सिंक साफ करती हूँ, उसके बाद फिर सारे बर्तन को मैं माँज लेती हूँ और उसके बाद ही साफ़ पानी से मैं धोती हूँ। ये तो मेरा डेली का आदत बना हुआ है। और अभी भी मैं छत पर कपड़े नहीं डाली हूँ क्योंकि अभी भी मेरा मशीन चल ही रहा है। क्योंकि मशीन ये ऐसा तो नहीं ना है कि एक बार बटन दबे और तुरंत सारा काम होके निकल गया, उसको धोना है, ड्राई करना है, गंदा पानी फेंकना है, फिर साफ पानी डालना है, तो उसमें तो 2 घंटा तो लग ही जाता है, कम से कम 2 घंटा तो लग ही जाता है। तो मेरा बर्तन धोते धोते मेरा कपड़ा भी रेडी हो जाएगा तो मैं छत पे जाकर कपड़ा डाल दूँगी। और वॉशिंग मशीन का कपड़ा बहुत जल्द मतलब सूख जाता है, 2 घंटे में ही सूख जाता है। और मेरा बर्तन धोना कंप्लीट हो गया है और कपड़ा भी मेरा रेडी हो ही गया है। ये देखिए मेरा सिंक कितना अच्छा से साफ़ सुथरा, मेरा सिंक बोले तो आप लोग देख ही सकते हैं मेरा सिंक कितना छोटा है। थोड़ा सा भी बर्तन, नाश्ता का 2-4 बर्तन भी वहाँ पे पड़े रहने से लगता है कितना सारा बर्तन जमा हो गया है। इस कारण ये कारण भी है कि मैं सारे बर्तन को जल्दी जल्दी धो के हटा लेती हूँ, कोई भी बर्तन नहीं छोड़ती। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। अभी छत पे बहुत कम कपड़े आप लोगों को दिखते होंगे क्योंकि अब धूप होने लगा, सभी के कपड़े सूखेंगे बालकनी में, पर मेरा बालकनी में कैसे सूखेगा। हस्बैंड जी बहुत सारा प्लांट्स लगा के रख दिए हैं, अब पिटूनिया भी इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि मैं वहाँ कपड़ा डाल ही नहीं पा रही हूँ। छत पे आ गई हूँ कपड़ा डालने के लिए और मेरी मजली का कीमा नहीं है अभी, तो इसलिए और थोड़ा छत खाली खाली लगता है। और वहाँ मेरी ननद लोग भी आ गई थी तो मैं ज़्यादा शूट नहीं की, फिर बंद कर दी कैमरा को। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैं जैसे दिखाई कि आज मैं पालन साग बनाने वाली हूँ। अब पालन साग मैं जैसे डेली पहले हमेशा वेज बनाती थी तो आज मैं वेज नहीं बना रही हूँ, जैसे जैसे मेरी देवरानी बताई है लहसुन प्याज दे के बनाना है, तो आज मैं लहसुन प्याज का यूज़ करने वाली हूँ साग में। और पहले मैं साग में सेम नहीं देती थी, सेम बैंगन डालती थी, सेम नहीं डालती थी, बड़ी देकर बना देती थी। पर आज देवरानी खुद ही वो सब कुछ कंप्लीट करके थी, बोली कि ऐसे बने बहुत टेस्टी बनेगा। सच में साग बहुत टेस्टी बना था, ऐसा साग मैं पहली बार बनाई थी। और साग के साथ मेरा मच्छी झोल भात भी हो रहा है, तो मेरा मच्छी बन गया है। मच्छी कंप्लीट होने के बाद ही मैं साग बना रही हूँ। और भात गरम गरम खाना अच्छा लगता है, तो अभी टाइम हो रहा है 2 बजे मैं भात वहाँ पे चढ़ा दी हूँ और साग भी मेरा इधर धीरे धीरे हो जाएगा क्योंकि साग बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सब कुछ अगर रेडी रहे तो 15 से 20 मिनट में साग कंप्लीट हो जाता है। तो साग को मैं पहले पचफोरन और हरा मिर्ची दे दी और लहसुन भी काट काट के दे दी, उसके बाद प्याज दे दी और थोड़ा सा हल्दी नमक भी उसी में साथ में दे दी थी। और ये अच्छा से भुनने के बाद बैंगन और क्या बोले सेम अच्छा से भुनने के बाद ही मैं उसमें पालन साग डालने वाली हूँ। ऐसे कभी आप लोग बना के देखिएगा, बनाते भी होंगे आप लोग, मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं ऐसा पहली बार बना रही हूँ और सच में अच्छा लगा। पर मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगा, उसे तो साग उतना पसंद नहीं है, उसे बरी वाला साग पसंद है। मैं आज बरी नहीं डाली हूँ इसलिए वो मन से नहीं खाया, हस्बैंड जी खाए, मैं खाई, नेक्स्ट डे के लिए भी बच गया है। क्योंकि 3 जन में कितना, आधा केजी पालन साग बहुत ज़्यादा, 250 ग्राम ही मुझे बनाना चाहिए था, पर मैं आधा केजी बना ली। बाय फ्रेंड्स।